हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की पूरी सीरीज़, जिसमें आप सीखेंगे एक यूट्यूब स्टाइल डायनामिक वेबसाइट बनाना, और उसके साथ ही आप उसका बैकएंड पे जो वर्किंग होती है वो भी सीखेंगे। इसमें जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल होंगी वो होंगी बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, HTML, CSS और PHP, MySQL वगैरह। इसमें मैं एजेक्स भी लगाऊंगा, जो के फाइल को डाउन अपलोड करने के लिए, डेटा सेंड्स और रिसीव करने के लिए मैं इसको यूज़ करूंगा। तो चलते हैं अपनी ये वीडियो की तरफ। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने जो साइट बनाई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जो वीडियोज़ यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद ये लिंक्स हैं यहाँ पर कुछ, और ये इसका मेन्यू है, जिस ये सर्च बार है, आंसर वीडियो कोई भी सर्च कर सकते हैं। ये बटन पे क्लिक करके आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। टाइटल, एमडी टैग, वीडियो थंबनेल, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। थंबनेल साइज 1280x720 है। यहाँ से आप क्लिक करके तो लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके इस बटन पे साइन अप कर सकते हैं। ये देखें, साइन अप आ गया। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख ही सक रहे हैं, ये कितनी खूबसूरत लग रही है वेबसाइट। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और देखें, ये इसका वॉच पेज खुल गया, जिसमें आप इसको वॉच कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं इस वीडियो के साइज़ को। और ये देखें, ये बिल्कुल यूट्यूब स्टाइल की है। क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो भी चलने लगेगी। इसका लिंक जो URL पीछे आप अपलोड में देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये फुली डायनेमिक होगी। तो दोस्तों, ये तो इसका ओवरव्यू था जो क्रिएट करने जा रहे हैं हम वेबसाइट। तो अब चलते हैं हम इसके स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फाइल स्ट्रक्चर और जो HTML बेसिक कोड है इसका, वेब पेज का स्ट्रक्चर वो हम क्रिएट करते हैं। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये कुछ फोल्डर्स हैं, जिसमें CSS है, ऑलमिन है, बूटस्ट्रैप है, ये फाउंड ऑसम की है। तो इसी तरह ये बाकी भी फाइलें हैं, GS की कुछ बूटस्ट्रैप वगैरह हैं, कस्टम jQuery वगैरह, और ये वेब फाउंड है, ये फाउंड ऑसम के फाउंड्स हैं। तो ये दो फाइलें, एक इंडेक्स HTML और एक बाच HTML। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करके तो उसको, उसके नाम को कॉपी करके उसको 2 कर दूँगा, और इसी में से जो फोल्डर्स हैं, जो फाइलें पड़ी हैं, मैं वो कॉपी कर लूँगा, ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। आपने फाइलें देख ही ली हैं। साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा कि ये कहाँ से आप फाइलें जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ वो फोल्डर जो मैंने क्रिएट किया है अभी। तो दोस्तों, ये देखें, ये ओपन हो गया है। अब मेरे को इसमें दो फाइलें क्रिएट करनी है, index.html और watch.html। तो आइए चलते हैं, कर लेते हैं दोनों क्रिएट। ये पहली फाइल क्रिएट हो गई। तो दोस्तों, हमारी दोनों फाइलें क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम इसमें बेसिक जो HTML का कोड है लगाएंगे। तो उसके लिए मैं HTML लिख के टैब प्रेस करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों ये टाइटल मैंने लिख लिया। अब मैं ये मैं कमेंट दे रहा हूँ उसको ताकि पता चले कि क्या है। तो दोस्तों अब मैं इसमें इसके मेटा टैग्स डालूंगा जो कि SEO के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये देख सकते हैं आप इसमें ये है 4 सेट है और डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स हैं, ऑथर है और व्यू पोर्ट है। ये व्यू पोर्ट लाजमी है, ये आपके मुख्तलिफ डिवाइस के साथ आपका जो ब्राउज़र है वो उसे एडजस्ट कर जाता है, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं यहाँ पे क्योंकि मैं एक्सटर्नल गूगल फाउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं वो उसका लिंक क्रिएट करके तो उसको इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ रोबोटो फाउंड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देख लें आप, मैं यहाँ पे आया गूगल की साइट पे foundgoogle.com और अब मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँगा। और ये कोने में आके एम्बेड लिंक पे क्लिक करके यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लूँगा। और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब दोस्तों क्योंकि हमें इसकी CSS भी करनी है तो हमें एक CSS style.css की फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी अपने CSS फोल्डर में। तो ये मैंने क्रिएट कर ली है। यहाँ पे मैं पहले पैडिंग और मार्जिन 0 कर दूँगा ऑल के लिए। स्टैरिक का निशान ऑल के लिए होता है CSS HTML में, यानी ये जितनी भी पैडिंग मार्जिन ऑटो होती है उसको 0 कर देगा। और यहाँ मैं बॉडी को वहाँ से कॉपी करके फाउंड फैमिली ये CSS स्टाइल जो है कॉपी करके मैं अपनी CSS फाइल में इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो बाकी हमारी इंटरनल फाइल्स हैं जैसे जो CSS के फोल्डर में पड़ी हुई है हमें उनको भी लिंक करना है। तो ये मैं जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है वो लिंक करने जा रहा हूँ अपने शीट में। तो उसके लिए मैंने लिंक का टैग यूज़ किया है। मैंने लिंक लिख के उसको टैब प्रेस करके तो ये क्रिएट कर लिया है। मैं इसमें फाइल लिंक कर रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद हमें यहाँ पे फाउंड ऑसम की फ़ाइल भी लिंक करनी है जो कि CSS फोल्डर में r.min.css के नाम से है। और उसके बाद हम अपनी जो कस्टम स्टाइल शीट है जो कि style.css के नाम से है वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे।
तो दोस्तों जब आप सारी CSS की फाइलें इंक्लूड कर लेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ JSS में जो फाइलें पड़ी हुई हैं फोल्डर में उनको भी यहाँ पे लिंक करना। ये मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, मैंने यहाँ पे सारी JS की फाइलें जो JS के फोल्डर में पड़ी हैं वो लिंक कर ली हैं।